बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज अगेन मैं आपके साथ हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपकी एक वीडियो अपलोड की थी 1.1 की, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था और क्वांटिटी की क्वेश्चन की डेफिनेशन थी, तो वो आप सबको समझ आ गई होगी। अब हम उसे नेक्स्ट फर्दर स्टेप में लेके चलेंगे, ठीक है? और वो आपको समझ आ गई है, वो आपने देखी है, जो भी है आपके व्यूज़ रिमार्क्स हैं मुझे आइडिया तो हो ही गया है, ठीक है? तो थैंक यू सो मच बेटा अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए, अपने रिमार्क्स, ठीक है, आपने मेरे साथ शेयर किए, थैंक यू सो मच। नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, सेकेंड पार्ट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस एक्स ओवर 7 इक्वल टू 1। अब आप देख रहे हो जो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किया वो जस्ट टू फैक्टर्स थे, लीनियर फैक्टर्स थे उनका प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पे न्यूमिनेटर भी गिवन है और डिनोमिनेटर भी गिवन है, और डिनोमिनेटर भी वो गिवन है जो डिफरेंट है। अगर सेम डिनोमिनेटर होता तो आप एलसीएम ले सकते थे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स कर सकते थे, बट इसमें डिफरेंट डिनोमिनेटर है, तो आपके पास अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर हो तो आप एज इट इज़ उसको उठाएँ, डिफरेंट दोनों वैल्यूज़ उठा लें। अब अगर वो मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है? अब अगर 7/3 का हम एलसीएम ले लें तो वो हमारे पास आता है बेटा 21। आप 21 को बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दो। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना किसी टर्म को तो वो हमारे लिए सबसे इजी स्टेप होता है, ठीक है? जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर वैनिश हो जाता है, तो सिंपल लीनियर टर्म, क्वाड्रेटिक टर्म, जो भी ऊपर फैक्टर्स हमारे पास आ रहे होते हैं उसको हम कलेक्टिंग लाइक टर्म वाला स्टेप अडॉप्ट करते हैं और देन हम उसको सॉल्व कर लेते हैं सेम एज इट इज़। अब आप देखते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस एक्स ओवर 7 इक्वल 1 को करेंगे, तो इसके लिए मैं कर रही हूँ बेटा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, क्या डिनोमिनेटर है 3 और 7, 3 7 द 21, मैं 21 से इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 21 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस 21 मल्टीप्लाई एक्स ओवर 7 इक्वल 21 मल्टीप्लाई 1, 3 1 द 3, 3 7 द 21। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू? 7 1 द 7, 7 3 द 21। ये दो अलग-अलग टर्म्स नहीं है बेटा, ये एक फैक्टर है जो 7 से मल्टीप्लाई होगा, ओके? 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 इंटू एक्स इक्वल 21 को 1 से मल्टीप्लाई करें, यू गेट 21। 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 7 एक्स स्क्वायर प्लस 7 4 द 28 माइनस 3 1 द 3 एक्स इक्वल 21। राइट साइड पे कॉन्स्टेंट है, इसे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करो, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करोगे तो आपके पास उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और कलेक्टिंग लाइक टर्म जब हम करेंगे तो पहले पावर क्या आएगी 2, फिर पावर क्या आएगी 1, फिर क्या आएगा कॉन्स्टेंट टर्म्स, माइनस 21 इक्वल टू 0। 7 एक्स स्क्वायर बेटा एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस 3 एक्स भी एज इट इज़ आ जाएगा, 28 में से 21 माइनस करें, यू गेट 7 इक्वल टू 0। क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी कि जज करो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अब आप बताएं कौन सी इक्वेशन है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है? प्योर में तो बी ख़त्म हो चुका होता है ना, तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज़ योर आंसर। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये आपने इसका कौन सा पार्ट किया है, सेकेंड। अब हम नेक्स्ट इसका पार्ट कौन सा करेंगे, थर्ड, ठीक है? अच्छा जी, अब थर्ड पार्ट हम कैसे करेंगे, थर्ड पार्ट का क्वेश्चन आपके पास क्या है बेटा, थर्ड पार्ट का क्वेश्चन आपके पास है, मैं लिख रही हूँ, जो थर्ड पार्ट है आपके पास x ओवर x प्लस वन प्लस x प्लस वन ओवर x और इक्वल के उस साइड पे क्या है 6, राइट साइड ये क्या है 6। अब आपने इसका क्या फाइंड करना है बेटा, सॉल्यूशन। अब इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट होगा, अभी मैंने आपको बताया जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो फिर आप उसको क्या करोगे, होल डिनोमिनेटर को उठाओगे और हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, ईच टर्म के साथ मल्टीप्लाई किसको करोगे, एक्स इंटू एक्स प्लस वन को। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एक्स इंटू एक्स प्लस वन, ओके? एक्स इंटू एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई एक्स ओवर एक्स प्लस वन प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन ओवर एक्स इक्वल टू 6x इंटू एक्स प्लस वन। अच्छा जी, अब क्या करना है, अब आपने करना है इसको सॉल्व। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कैंसिल क्या हो रहा है, ये वाला x प्लस वन इस x प्लस वन से क्या हो गया, कैंसिल। ये वाला x इस x से क्या हो गया, कैंसिल। तो आपके पास क्या आ गया, x को x से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन सेम टर्म्स हैं, ये दोनों क्या हैं, सेम टर्म्स हैं। तो आप क्या करोगे, इधर लिखोगे एक्स प्लस वन का होल स्केयर इक्वल सिक्स एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सिक्स एक्स स्केयर प्लस सिक्स एक्स को वन से करें तो सिक्स एक्स, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये क्या है बेटा, ये ए प्लस बी का होल स्केयर बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्केयर। ए प्लस वी नो दैट ए प्लस बी होल स्केयर किसके इक्वल होता है, ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर, समझ आया। अब आपने क्या करना है बेटा, अब आपने ए प्लस बी का होल स्केयर है तो ए प्लस बी का होल स्केयर ऊपर मैंने आपको बता दिया, इधर हम ओपन कर लेते हैं, एक्स स्केयर प्लस ए का स्केयर क्या हो जाएगा, एक्स स्केयर, एक्स स्केयर, उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, प्लस टू ए बी, टू इंटू एक्स इंटू वन, और बी की जगह क्या आएगा, वन स्केयर इक्वल उस साइड पे क्या आएगा, सिक्स एक्स स्केयर प्लस सिक्स एक्स, सिक्स एक्स स्केयर प्लस सिक्स एक्स, ठीक है। वन प्लस वन टू एक्स स्केयर, टू एक्स को वन से मल्टीप्लाई करें टू एक्स प्लस वन, ओके जी बेटा, टू एक्स स्केयर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल का उस साइड पे सिक्स एक्स स्केयर है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस सिक्स एक्स स्केयर, प्लस सिक्स एक्स इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस सिक्स एक्स इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस सिक्स एक्स, और इक्वल के उस साइड पे क्या आ गया, ज़ीरो। टू एक्स स्केयर एज इट इज़ माइनस सिक्स एक्स स्केयर इसके साथ लिखा जाएगा, प्लस टू एक्स माइनस सिक्स एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। ये स्टेप आपको पता है मैंने क्या किया बेटा, मैंने कलेक्टिंग लाइक टर्म्स की हैं, सेम पावर वाली वैल्यूज़ को कम्बाइन करके लिखा है, इज़ इट क्लियर, प्लस टू और माइनस सिक्स यू गेट माइनस फोर एक्स के, प्लस टू माइनस सिक्स माइनस फोर एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। इन तीनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस फोर तो कॉमन नहीं आ रहा ना, तो माइनस हम कॉमन ले लेंगे, फोर एक्स केयर प्लस फोर एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, इधर माइनस वन है उधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ज़ीरो ओवर एनी थिंग, ज़ीरो के नीचे कुछ भी आ जाए वो हमेशा क्या हो जाता है, ज़ीरो। तो इट्स मीन यू गेट फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज़ योर फाइनली आंसर। तो ये अगेन कौन सी इक्वेशन आ गई है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन समझ आया है। आपके पास x इंटू एक्स प्लस वन डिनोमिनेटर है, ईच टर्म के साथ आपने मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपने क्या किया है, कैंसलेशन की है, उसके बाद जो रिमेनिंग टर्म्स थी उनको नीचे लिख लिया, उसके अंदर एक फार्मूला अप्लाई हो रहा था, कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, a प्लस बी होल स्केयर, वो किसके इक्वल होता है, ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर, एक्स स्केयर एज इट इज़ प्लस एज इट इज़, दिस इज़ ए दिस इज़ बी, ए स्केयर प्लस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्केयर, ठीक है। अब एक्स का कोई कोफिशियंट नहीं है तो उसका वन होगा, इक्वल सिक्स एक्स स्केयर प्लस सिक्स एक्स, अब ये दोनों प्लस के हैं, इस साइड पे आएंगे तो साइन इनके क्या हो जाएंगे, चेंज, उसके बाद कलेक्टिंग लाइक टर्म्स करें, उसके बाद वो वैसे ही एडिशन रूल सब्ट्रैक्शन रूल अप्लाई करें, देन माइनस कॉमन ले लिया, देन यू गेट द आंसर, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ अब हम इसका क्वेश्चन नंबर करेंगे सिक्स, वन का सिक्स पार्ट, फोर और फिफ्थ है होमवर्क, ठीक है। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर फोर एंड फाइव, डू योरसेल्फ, ठीक है। अब इसका सिक्स क्वेश्चन हम करेंगे वीआई, सिक्स क्वेश्चन है इसका एक्स प्लस वन ओवर एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस टू ओवर एक्स प्लस थ्री इक्वल ट्वेंटी फाइव ओवर ट्वेल्व, ठीक है। अब हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन। अच्छा जी, इसका सॉल्यूशन कैसे कंप्यूट करेंगे, यू नो दैट जब आपके पास डिफरेंट डिनोमिनेटर हो तो उससे मल्टीप्लाई करना है, वेरी गुड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ट्वेल्व इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, ईच टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है, ट्वेल्व इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री के साथ, इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट टर्म को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या कैंसिल होगा, एक्स प्लस टू, तो रिमेनिंग टर्म आपके पास क्या आ जाएगी, रिमेनिंग टर्म आपके पास कैसे आएगी, आप पहले तो मैं लिखूँगी ट्वेल्व इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री
मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन ओवर एक्स प्लस टू, ठीक है, ये दोनों फैक्टर्स हैं। डजेंट मीन कि आप एक्स को सेपरेट करो, वन को सेपरेट करो, अगेन करो, तो दैट इज़ द रॉन्ग वे। प्लस 12 इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, आप मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, मल्टीप्लाई आपने करना है एक्स प्लस टू ओवर एक्स प्लस थ्री के साथ, एक्स प्लस टू ओवर एक्स प्लस थ्री के साथ, ठीक है। अब आपने क्या करना है बेटा, अब आपके पास 25 बाय 12 लिखा हुआ है तो इसको नीचे ले आओ, अब ऊपर तुम्हारे पास स्पेस नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 12 इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाई 25 ओवर 12, ठीक है। अब जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दें, एक्स प्लस टू इस एक्स प्लस टू से कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स प्लस थ्री इस एक्स प्लस थ्री से कैंसिल हो जाएगा, ये 12 इस 12 से कैंसिल हो जाएगा। जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो हम नीचे लिख लेते हैं, 12 इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस वन प्लस 12 इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस टू, तो इसका क्या ले लो, स्क्वेयर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा बेटा इक्वालिटी का सिंबल, ये इक्वालिटी के सिंबल के उस साइड पे क्या आ जाएगा, 25 इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें आप, 12 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री वन द थ्री प्लस 12 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आगे इक्वल 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू थ्री द सिक्स, समझ आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, 12 एज इट इज़ आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ 1x और 3x क्या होगा, 4x, क्या हो जाएगा, 4x प्लस थ्री प्लस 12 एज इट इज़ आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा 2 द 4x प्लस 2 द 4 इक्वल, वो वाला स्टेप मैं नीचे कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर रही हूँ बेटा, अब आपके पास आ जाएगा 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 क्या आ जाएगा, 5x प्लस 6। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, 12, अच्छा जी आप क्या करना है, 12 आपके पास आ जाएगा एज इट इज़, 12 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, तो 12x स्क्वायर, 12 4 द 48x, 12 3 द 36, फिर 12x स्क्वायर, 12 4 द 48x, 12 4 द 48 इक्वल टू, आप 25 को मल्टीप्लाई करो। अब जब आप 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 25x स्क्वायर प्लस 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 125x, 25 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 150। समझ आया इतना क्वेश्चन, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इनको क्या करना है, कलेक्टिंग लाइक टर्म्स। अब कलेक्टिंग लाइक टर्म्स में क्या करेंगे, कलेक्टिंग लाइक टर्म में आपने क्या करना है, 12x स्क्वायर 12x स्क्वायर 24x स्क्वायर 48x प्लस 48x क्या आएगा, 96x, 36 प्लस 48 क्या आएगा, 84 इक्वल 25x स्क्वायर प्लस 125x प्लस 150, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब वो वाली वैल्यूज जो राइट साइड पे लिखी हुई हैं उन्हें लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें, उनके साइन क्या कर दें, चेंज, 24x स्क्वायर प्लस 96x प्लस 84 माइनस 25x स्क्वायर माइनस 125x माइनस 150 इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल के उस साइड पे क्या आ जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 24 में से 25 माइनस करेंगे तो यू गेट माइनस एक्स स्क्वायर 96x। अब मैं उसको इकट्ठा लिखने की बजाय डायरेक्ट कर रही हूँ बेटा, 24 में से 25 माइनस करें माइनस एक्स स्क्वायर, 96 में से माइनस 125 माइनस करें तो क्या आ जाता है, माइनस 29x। उसके बाद आ जाता है 84 माइनस 150, वो आपके पास क्या होता है, माइनस 66, 84 माइनस 150 वो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 60
6, और राइट साइड पे क्या आ जाएगा, 0। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो, अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। 29x² प्लस 66x² प्लस 29x प्लस 66 इक्वल टू 0। माइनस उधर जाके वैनिश हो गया, यू गेट x² प्लस 29x प्लस 66 इक्वल टू 0। दैट इज़ योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आई होप सो कि आप सबको ये समझ आया होगा, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और सेकेंडली, आप सब अपना ध्यान रखें, ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।